गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कहाँ पढ़े थे भाई लोग? क्लास 12th हिंदी मीडियम चल रहा था आपका, ठीक है ना? उसी को आज हम लोग आगे पढ़ाएंगे। क्लास 12th हिंदी मीडियम। देखो भाई, यहाँ से जो अगली हेडिंग है बेटा, हम लोग आज पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। चलिए देखिए, ध्यान से। ओम के नियम के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है भैया? चलो देखो ध्यान से। एक पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये हमारा कोई चालक है क्या भैया? चालक है, ठीक है। ये हमारा क्या बेटा? चालक है कोई? ठीक है, बिल्कुल। ध्यान से कुछ इस तरीके से। इस पे जो अप्लाई कर रहा है सेवन माइनस वी माइनस टू, ये हमारा प्लस एस, ठीक है। चालक की लंबाई बेटा L है। चालक की लंबाई क्या है? L है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट F है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ऐसे, ये एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है, हो गया। तो टोटल दिया गया विभव है बेटा क्या है? ई, ठीक है, समझ में आ गया। ये आप जानते होंगे नेगेटिव ध्रुव है, ये क्या है? प्लस। यह लिखना पड़ेगा। माना एक चालक क्षण की लंबाई स्मॉल एल है, माना माना एक चालक क्षण की लंबाई, माना एक चालक क्षण की लंबाई लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है। तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तथा उसके अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैपिटल ए, कैपिटल ए, ठीक है। चालक के प्रति एकांक आयतन में, चालक की प्रति, चालक की प्रति एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, आयतन में उप
उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, स्मॉल एन जब जब चालक क्षण के सिरों पर, जब चालक क्षण के सिरों पर, जब चालक क्षण के सिरों पर, चालक क्षण के सिरों पर वी विभवांतर लगाते हैं, सिरों पर वी विभवांतर लगाते हैं, वी विभवांतर लगाते हैं, देखो ध्यान से, वी विभवांतर लगाते हैं तब उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन हो, तब उसमें उपस्थित उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन हो, अनुगमन अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी से गति करते हैं, अनुगमन वेग वीडी से गति करते हैं, गति करते, ठीक है। चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर, विभवांतर लगाने पर, विभवांतर लगाने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाने पर, उसमें उत्पन्न उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा बी अपॉन एन, ई बराबर हो जाएगा बी अपॉन एन, हो गया ना, नोट कर लो जल्दी। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा ई बराबर बी अपॉन एन, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे चालक में उपस्थित प्रत्येक, चालक में उपस्थित उपस्थित प्रत्येक प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उसमें इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल, कार्यरत बल, ठीक है। देखो हम लोग पढ़े ना E इक्वल टू बेटा पढ़े हैं F अपॉन Q, क्या पढ़े हैं F अपॉन Q, तो अगर Q जो है वो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो यहाँ आप देख सकते हैं E इक्वल टू F अपॉन E हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा F इज इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल E, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया, बात समझ में आई, यानी देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम से, कर लेते बेटा न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से
ठीक है ना, टोटल का दूरी एरिया उससे एफ इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े बेटा एम ए, एम ए ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा एफ अपॉन एम, यस ले सकते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से यहाँ से ए बराबर समीकरण एक में एफ का मान कितना बेटा कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन में एम, इक्वेशन नंबर हो गया बताइए हमारा सेकंड, ठीक है। अब जो लिख रहे चल रहे उसमें ध्यान देना, इसको हम पूरा इरेज कर दें कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके नीचे लिख रहे हैं चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर धन आयनों में धन आयनों से टकराते हैं, लिख सकते हैं चालक में, चालक में, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर धन आयनों से टकराते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन निरंतर धन आयनों, धन आयनों से टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, ठीक है ना, निरंतर धन आयनों से टकराते रहते हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच, यदि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच, धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच, टक्करों के बीच का औसत समय, टक्करों के बीच का औसत समय टाउ, औसत समय क्या होगा टाउ, ठीक है हो गया। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक तापीय वेग, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक, प्रारंभिक तापीय वेग, तापीय वेग क्रमशः U1, U2, U3, UN तथा शांति टाउ के बाद, तथा शांति काल टाउ के बाद, तथा शांति काल टाउ के बाद वेग क्रमशः, वेग क्रमशः V1, V2, V3 डॉट डॉट
वी एन हो तब, तब अब देखो वी वन हो तब, तो जो वी वन होगा उसमें क्या होगा, वहां से हम लिख सकते हैं ना कि भाई जैसे हम लोग पढ़े ना त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर वेग बटे समय, वेग बटे समय होता है, समय को क्रांति काल कहते हैं, कोई बहुत नई चीज नहीं है। ए इक्वल टू वेग यू वन है अपॉन इसको टाउ लिख सकते हैं, ए वन इक्वल टू ए टाउ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कठिन हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से लिखेंगे अतः वी वन बराबर यू वन प्लस ए टाउ, वी टू बराबर यू टू प्लस ए टाउ, वी थ्री बराबर यू थ्री प्लस ए टाउ डॉट डॉट ऐसे लिख देते हैं, वी एन बराबर यू एन प्लस ए टाउ हो जाएगा। देखो ध्यान से लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है, जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, अनुगमन वेग कहलाता है। तो यहां से बेटा हो जाएगा हमारा अनुगमन वेग वी डी बराबर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, इसका औसत निकालेंगे डॉट डॉट बेटा वी एन अपॉन एन हो जाएगा, औसत निकालेंगे। ठीक है, अब इधर देखो भाई वी डी बराबर यहां से क्या मिलेगा, वी वन की वैल्यू क्या है यू वन प्लस ए टाउन प्लस वी टू, वी टू वैल्यू है यू टू प्लस ए टाउन, यू थ्री प्लस ए टाउन डॉट डॉट बेटा ऐसे लास्ट में पता चला जाता है तो यू एल प्लस ए अपॉन एन जाए। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी डी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, ठीक है, प्लस डॉट डॉट यू एन एक ब्रेक हो गया और अपॉन हो जाएगा एन, प्लस ये हो जाएगा ए टाउ प्लस ए टाउ प्लस ए टाउ कितने टाइम हो जाएगा डॉट डॉट एन टाइम्स अपॉन एन। ठीक है ना, लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग, इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग शून्य होता है, औसत तापीय वेग शून्य होता है, शून्य होता है। अतः यहां लिख देंगे, वी डी बराबर आइए तुम्हारा जीरो प्लस ए टाउ कितना है एन टाइम्स, तो ए टाउ रूट टू एन अपॉन एन, एन से कैंसिल हो गया भाई, आंसर आ गया बी डी इक्वल टू ए अंगुल नहीं कमान लोग मिल गया, समझ में आया जल्दी करो इसको, इसको मिटा देते हैं। देखो ध्यान से v
बीडी बराबर बेटा हम लोग को मिला ए टाउ, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब लिख सकते हैं समीकरण एक से इसे समीकरण स्टार दे, समीकरण समीकरण एक से स्मॉल ए का मान, स्मॉल ए का मान समीकरण स्टार लिखा, ए का मान समीकरण स्टार में रखने का, स्टार में ठीक है भैया। और उसके बाद देखो यहाँ से जो ए का मान था क्या था, बी डी इज इक्वल टू बेटा ए का मान क्या निकाले थे हम लोग, ई स्मॉल ई अपॉन एम और इनको हो जाएगा टाउ हो जाएगा, तो वी डी की वैल्यू हो गई ये क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा डबल स्टार। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो कि नहीं हो। अब यहाँ लिख सकते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा धारा के संबंध से, तथा धारा के संबंध से, संबंध से देखो भाई हम लोग पढ़े वी डी बराबर आई अपॉन एन ई ए, ये पढ़े ना आई अपॉन एन ई ए कठोर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया। और ई की वैल्यू क्या है, ये आगे देखिए समीकरण ट्रिपल स्टार हो गया, समीकरण ट्रिपल स्टार हो गया। अभी तो समीकरण स्टार तथा ट्रिपल स्टार से, ट्रिपल स्टार से एल एच एस एल एच एस बराबर है तो आर एच एस आर एच एस बिका होगा बराबर बराबर होगा, तो ई स्मॉल ई टाउ अपॉन एम इक्वल टू आई अपॉन बेटा हो जाएगा एन ई ई। और तुमको हमने पढ़ाया था इक्वल टू होता है वी अपॉन एल होता है प्रतिवेशी, यहाँ से हो जाएगा वी ई टाउ अपॉन एम एल इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, इसको उधर भेज दो वी अपॉन आई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एम एल अपॉन नीचे क्या होगा एन ई ए इंटू ई टाउ, ऐसे लिखते हैं समझ में आया बेटा। यहाँ से मिलेगा वी अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ठीक है, और ये क्या है एन ई ए टाउ, इतना पहले नोट करो इसके बारे में लिखना पड़ेगा यहाँ तक को ठीक है ना, जल्दी करो। हो गया इसको बता देते, समझ में आ गया ना। अब यहाँ लिख देते हैं किसी निश्चित ताप पर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा फोर स्टार है, फोर स्टार ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, ताप पर, ताप पर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ ठीक है ना, नियत रहता है, नियत रहता है, रहता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम जिसे प्रतिरोध प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात समीकरण
फोर स्टार्स देखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, बी अमाउंट आई इक्वल टू कैपिटल मिल जाएगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा फाइव स्टार, फाइव स्टार टू हो गया ली गई आता, यही ओम का नियम है, कहा यही ओम का नियम नोट कर लो जल्दी से, हो गया ना जल्दी करो भाई। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत विद्युत प्रतिरोध हो गया, इसकी परिभाषा लिख देते हैं, धारा के मार्ग में धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही उत्पन्न अवरोध को ही क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, बात समझ में। तो यहाँ से बुक मिल गया, धारा के मार्ग में अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ से देखिए, मात्रक तथा विमा, मात्रक तथा विमा हो गया। अब मात्रक और विमा निकालना बेटा, v इक्वल टू क्या होगा, आई आर, v इक्वल टू क्या होगा, आई आर, तो r इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, v अपॉन आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहीं से देखो निकालो, आर इक्वल टू वी की, वी का मात्रक क्या होता है वोल्ट अपॉन आई का एम्पियर, ठीक है, तो मात्रक तो निकला वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, और ये होता है बेटा एक ओम की पर, क्या होता है एक ओम की पर, समझ में आया, नोट कर लो, एक ओम, अब इसकी बीमा निकाल लेते हैं, बीमा क्या होगी, विभवांतर बीमा क्या होती है बोलो, जैसे हम लोग पढ़े ना v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन हो जाएगी के टी बेटा, तो क्या होगा ये ऊपर लेके जाओ तो बच जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, वायरल दो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन ए, क्योंकि धारा का ए हो जाएगा, यहाँ से बेटा मिलेगा हमको एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू जाएगा, माइनस टू ए माइनस टू, नोट कर लो जल्दी, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ से इसको मिला देते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक भी है, प्रतिरोध
प्रभावित करने वाले कार्य प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक करने वाले क्या बेटा कारक। ठीक है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हम आर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, आर इज इक्वल टू क्या पाएगा था, आर इक्वल टू वी पढ़ा हमने एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर और ये हो जाएगा इनटू टाउ हो जाएगा। बात समझ में? अब देखो ध्यान से, यही से देख लो भाई, एम तो नियत रहेगा, एन नंबर नियत रहेगा, ई नियत है, टाउ नियत रहेगा शांति का, लेकिन टाउ बदल नहीं रहा है। ठीक है ना, यहाँ से देख सकते हैं आर अनुक्रमानुपाती एल इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और आर व्युत्क्रमानुपाती वन अपॉन ई इक्वेशन सेकेंड। तो पहली चीज जो है वो ले है चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर ध्यान रखना, पहली चीज किस पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर। तो चालक की लंबाई मैंने लिख दिया है कि किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध, किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई के अनुपाती अनुक्रमानुपाती होता अनुक्रमानुपाती होता अर्थात आर अनुक्रमानुपाती एल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध, किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध चालक की लंबाई के चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। हो गया ना, अब इसको मिटा देते हैं। चालक के लिए बेटा देखो ध्यान से, दो चीजें मिली ना, पहले बेटा हमको आर अनुक्रमानुपाती है इक्वेशन फर्स्ट था, आर अनुक्रमानुपाती वन अपॉन ए इक्वेशन सेकंड था, समीकरण एक बार दो से समीकरण एक बार दो से
यहाँ लिख सकते हैं आर अनुक्रमानुपाती एल इंटू वन अपॉन ए मीन्स आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए हो जाएगा। फिर समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, आर इज इक्वल टू यहाँ एक कॉन्स्टेंट है तो एल अपॉन ए ध्यान रखें वेल यानी कि जहाँ रो बराबर बेटा क्या जानते हो इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, अभी नई चीज आ गई विशिष्ट प्रतिरोध। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ गया ना भैया। अब उसके बाद हेडिंग लिख देंगे विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लेते हैं, लिखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध में क्या पढ़ेंगे देखो, हम लोग फार्मूला पढ़े आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसके नीचे वन कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू ए इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा रो एल, तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। समझ में तो रो का फार्मूला भी मिल गया हमको, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, क्लास ट्वेल्थ में पढ़े थे लेकिन आप लोग नहीं भूल गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भूलते ज़्यादा हो पढ़ते कम हो, है ना। समझ में आया आर ए अपॉन एल हो जाएगा। अब इसको रेस करते रहें बेटा यहाँ सबको मिल गया रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन बी एल मिल गया। अब यहीं पर देखो परिभाषा बना रहे हैं, यदि यदि एल बराबर एक मीटर और ए बराबर हम लेते हैं एक मीटर स्क्वायर ठीक है, तो देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे यहाँ से, तो उस कंडीशन में देखो रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा आर इंटू वन अपॉन वन बेटा रो इज इक्वल टू आर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी प्रतिरोध है लेकिन कब, या लिखेंगे किसी चालक में, किसी चालक में, किसी चालक में, चालक के लिए किसी चालक की एकांक लंबाई, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ एकांक अनुप्रस्थ काट का काट का क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध है, में उत्पन्न प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता वो कह रहा हूँ यार समझ में आ गया। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। अब उसके बाद देखो ध्यान से इसका मात्रक ले लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा ध्यान देते बेटा इधर देखो, हम लोग पढ़े ना रोई
कौन है ये बड़ी तो मात्रक क्या लिख देगा देखो मात्रक रो इक्वल इसका हो जाएगा बेटा ओम मीटर स्क्वायर अपॉन बेटा हो जाएगा मीटर इसकी इक्वल से कैंसिल हो गई तो रो का मात्रक बेटा मिला ओम मीटर ऐसे बना दें इसको ओम मीटर ओम मीटर हो गया। विमा देखो ध्यान से विमा देखो आर का आर की विमा क्या है आर की विमा है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू इंटू बेटा हो जाएगा एल स्क्वायर और अपॉन में मिला जाता है एक इससे कैंसिल हो गया लेकिन एक बचा है बनेगा एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस टू ये हो जाएगा विमा समझ में आ गया नोट कर डालो जल्दी से क्लियर हो गया तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपका हो गया ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे भैया वैद्युत चालकता उसके बाद इसी में है विशिष्ट चालकता ठीक है ये जो है टॉपिक जो है थोड़ा कवर होगा और इसके बाद ये इससे मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं ठीक है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है और क्या कहते हैं वैद्युत शक्ति भी पढ़ लेना है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बचा है ठीक है आप लोग इतना कर लेना समझ आया तो कल हम लोग पढ़ेंगे जो भी है समझ में आया कि नहीं आया इसको हम रेस कर दे रहे हैं इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं रेस कर दे रहे हैं ध्यान दो जो हम लोग एक चाहे नोट के थ्रू उसमें कई सारे नोट हैं यानी कि जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है या लिखेंगे जब किसी ये नोट है आपका एक नोट लिख लो ताकि तो कल होगा ये लिख देंगे जब किसी तार को खींचकर जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है n गुना कर दी जाती है n गुना कर दी जाती है हो गया तो तार का वैद्युत प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना बढ़ जाता है एन स्क्वायर गुना बढ़ जाता है या एन स्क्वायर गुना हो जाता है वो जाता बात समझ में आई। दूसरा क्या बेटा जब किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या जब किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/n गुना कर दी जाती है 1/n गुना कर दी जाती है तब तार का वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत प्रतिरोध n टू द पावर 4 गुना हो जाता है
एन टू द पावर फोर गुना हो जाता। ये न्यूमेरिकल में काम आने में हर को समझ में आया ना, इसको जरूर नोट कर लेना बेटा, ठीक है ना। कि क्या कहते हैं, लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, ठीक है, और तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/n गुना कर दी जाती है, तब तार का प्रतिरोध n की घात 4 गुना हो जाता है। तो इस तरीके से इसको आप लोग जो है नोट कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझ में आ गया। तो जो अगला वीडियो होगा उसमें कल देखना, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, हमें भी हंसाते रहो, ठीक है, बाय।